जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों, आपका राशिफल, आपका भविष्य, आपका दिन। तो आपको मैं बताऊंगी कर्क राशि वालों कि स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन बहुत अच्छा है, जबकि धन के मामले में आपका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। परिवार के मामले में भी आपका दिन अच्छा नहीं है, लेकिन प्यार, रोमांस, पारिवारिक जीवन, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक आपकी स्वास्थ्य की बात है, कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई तनाव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। आपका दिन मजबूत, बढ़िया, एकदम फेवरेबल नज़र आ रहा है और इसके चलते हैं आप लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं और कोई गेट टुगेदर, पार्टी शार्टी, मौज मस्ती, कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन आ गया, आप बहुत मज़े लेने वाले हैं, बीवी के साथ या पति के साथ घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, एंजॉय करेंगे। यदि आप लवमेट हैं तो आप अपने लवमेट के साथ भी एंजॉय करने वाले हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं उनको और इस तरह से आपका दिन अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा। व्यवसाय के मामले कह सकती हूँ, कोई नई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया काम लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। यदि आपको किसी से प्यार हो जाए तो कोई मुझे हैरानी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपको किसी से पहली नज़र में प्यार हो जाए, कोई आपको अच्छा लगने लगे, आप किसी को देखें आते जाते और आप उसको बस दिल दे बैठें और उसे प्रपोज़ कर दें या प्रपोज़ करने की सोचें तो कर सकते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है, काम हो जाएगा आपका। और किसी भी जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना। टाइम जरूर आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी सोच समझ के आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के मामले में कहूँगी कि किसी बड़े बुज़ुर्ग, जैसे आपके मम्मी हैं, पापा हैं या दादा हैं या दादी हैं या रिश्तेदार है कोई बड़ा, उसके साथ कोई बहस नहीं करनी है, कोई तनाव नहीं पालना है। वो जो कहते हैं उसे सुनो और उनको परेशान मत करो, तो इस तरह से आपका टाइम, आपका दिन सभी अच्छा रहेगा। अब क्या कर सकते हैं उपाय? उपाय के रूप में मैं आपको कुछ टिप दे सकती हूँ कि अगर आप परिवार के मामले में भी अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं तो क्या करना है। केसर जानते हैं? केसर, और केसर ना मिले तो हल्दी, इसका एक घोल सा बना के माथे पे लगाना है, जवान पे लगाना है, गले पे लगाना है और नाभि पे लगाना है। सुबह जहाकर जब आप उठेंगे, नहा धो कर तैयार होंगे तब लगाना है। केसर मिले तो केसर लगाएंगे और केसर ना मिले तो हल्दी लगाएंगे। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई समस्या है तो वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप कीजिए 8126476399 पे। थैंक यू।